अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ मेथड डिस्कस कर लिए थे, जिस तरह हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज जो मेथड डिस्कस करना है, ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है और पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ भी चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन आता किस तरह है वो भी देख लेंगे। यह है कॉल्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हेडिंग दे दो कॉल्स मेथड, कॉल्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये कॉल्ब का तरीकाकार है जिसमें हम अल्केन को तैयार कर रहे होते हैं। ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो याद रखिए कि जो कॉल्ब का तरीकाकार है ना, कॉल्ब साइंसदान का नाम, कॉल्ब साइंसदान का नाम, जिसने एक तरीकाकार निकाला जिससे अल्केन को भी तैयार किया, अल्कीन को भी तैयार किया और अल्काइन को भी तैयार किया। तीन तरीकाकार हैं। हम इसी तरीकाकार से अल्कीन को भी तैयार कर सकते हैं कॉल्स मेथड से, कॉल्स मेथड से अल्कीन को भी तैयार कर सकते हैं, कॉल्स मेथड से अल्काइन को भी तैयार कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने किस चीज़ को तैयार करना है कॉल्स मेथड से, और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको इसको लिखने का कुछ तरीकाकार आना चाहिए। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले ये चीज़ सीख लो, बाद में देख लेंगे साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है। किसे? साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो वर्ड पे गौर करो, मोनो का मतलब होता है वन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप हो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच ओ, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ये वाली चीज़ हो, उसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरह मैं कहता हूँ जी एसिटिक एसिड, ये वाला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये वाली चीज़ इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा आई है, ये वाली चीज़ इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा आई है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं साल्ट की बात करूं, आपने साल्ट पढ़े हुए टेंथ क्लास के अंदर कि साल्ट बनता किस तरह है, जब किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाए ना, उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। मतलब ये वाली चीज़ मेरे पास क्या है, एसिड है, इसका रिएक्शन मैं किसी भी बेस के साथ करवा दूं, किसी भी बेस के साथ, मैं यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहा हूँ, किसी के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊंगा ना, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन उतरेगा, ये वाला ओ एच उतरेगा, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे वाटर, और ये वाला पोटाशियम आके इसके साथ लग जाएगा, ये क्या हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ में ये पोटाशियम आके इसके साथ लग गया, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन गई, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो चीज़ बनी है ना, इसको हम कहते हैं साल्ट ऑफ, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, साल्ट है। तो ये बात आपने याद रखनी है, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और साल्ट बनता किस तरह है, किसी भी एसिड का जब रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है तो वाटर साथ में बनता, साथ में बना होता है साल्ट। पहले नंबर है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फिर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अल्केन की तैयारी के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। तरीका का आसान है, मतलब आपने क्या करना है, एक बिकर लेना है, आप इसको समझ लो, बाद में सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे। एक बिकर ले लिया, इसमें आपने पानी डाल लेना है, पानी डाल के ये वाला साल्ट लेना है, इसके अंदर डाल देना, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है, इस पानी के अंदर डाल के इसको हल कर लेना है। अब जैसे ही हल करोगे, इसकी हो जाएगी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब यह है कि इसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, सही है। अब इसके बाद क्या काम होता है, आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा देनी है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आप दो मेटल की पत्रियाँ लगाओ इसके अंदर, मेटल की पत्री को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोड का, और इसको आप कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी। अब जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको हम नाम दे रहे थे एनोड का, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको नाम देंगे कैथोड का। अब जैसे ही इसमें से करंट गुजारोगे, आपकी अल्केन बन जाएगी। क्या होगा, जैसे ही इसमें से करंट गुजारोगे तो अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। अब ये वाला जो तरीका का आ रहा है, ये कॉल्स मेथड। अब असल में इसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये मेन चीज़ है जो हमने यहाँ पर पढ़नी है। क्या चीज़, कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर जब करंट गुजारते हैं उस वक्त क्या काम हो रहे होते हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखने में तरीका का आसान है, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लो, पानी में हल करो, दो पत्रियां मेटल के डिप करके बैटरी से कनेक्ट कर दो, आपकी अल्केन बन जाएगी।
करने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसके इंटरनल साइड में जाते हो समझने में थोड़ा सा ही मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चंद एक बातें साथ में याद रखते जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी है कॉल्स मैथड, वो है साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें से करंट गुजारना है, करंट गुजारने के नतीजे में हमारे पास बन जाएगी एल्केन। साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, डिजॉल्व कर लेना है, डिजॉल्व्ड इन वाटर, इन वाटर, एंड देन और इसके बाद, एंड देन पास और इसके बाद आपने गुजार देना पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को, करंट को यानी इलेक्ट्रिसिटी को गुजार देना है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होगी और अल्केन बन जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड अल्केन इज फॉर्म्ड, अल्केन इज फॉर्म्ड और अल्केन यहाँ पे बन जाती है, सही है। तो अगर इसका मैं जनरल रिएक्शन देखूँ तो जनरल रिएक्शन ये हो रहा होता है, जनरल रिएक्शन क्या, आपने सबसे पहले साल्ट लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, ये मेरे पास साल्ट है। जनरल रिएक्शन में याद रखिएगा हम आर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, या फिर आप यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे CH3 कर लो, सही है। यह है हमारे पास अल्काइल ग्रुप, ये क्या हमारे पास CH3 मिथाइल है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लिया। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है करंट गुजार के किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें बन रही होती हैं ये लेने, आपने वैसे दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर दो लिख देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3.CH3, तो ये हमारे पास अल्केन बनेगी यहाँ पर, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ इतनी चीज़ मिलकर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। दो मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, इसके बाद ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ से निकलेगा, पोटाशियम इस या वाटर के हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा और साथ बना देगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये किस तरह हो रहा है अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा ये क्या काम हो रहा है, लेकिन सारी की सारी इसकी डिटेल करेंगे ना तब आपको सारी की सारी चीज़ें हम समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि इसमें ये अल्केन किस तरह बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह बनी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह बना है और हाइड्रोजन किस तरह बना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके तीन स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये काम हो रहा था। सबसे पहले आपने साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लेने के बाद इसको डाला पानी के अंदर, पहला काम होगा आयोनाइजेशन का, क्या होगा पहला काम आयोनाइजेशन। इसके बाद सेकंड काम क्या होता है हमारे पास, जब इसमें से करंट गुजारोगे रिएक्शन एट एनोड क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, फिर कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, और लास्ट में हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहली बात आयोनाइजेशन, हेडिंग दे दो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन पता है आपको आयंस बन रहे होते हैं, वेन साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वेन साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको पानी के अंदर हल किया जाता है इट आयोनाइज, ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होकर क्या बनाता है जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है CH3C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OK। जैसे पानी के अंदर डालोगे इसको तो ये वाली चीज़ यहाँ से ये वाली चीज़ लग होगी, पॉजिटिव आयन बनेंगे साथ में बनेंगे नेगेटिव आयन, CH3C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव साथ में पोटाशियम आयन पॉजिटिव। अगर मैं इसके शुरू में दो लगा देता हूँ ना, ये दो किस लिए लगा रहे हो, सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसका मकसद कुछ भी नहीं है, इससे हमारे पास बैलेंसिंग आसान हो जाएंगे, बस इसलिए मैं दो लगा रहा हूँ, वरना आपको आयोनाइजेशन का पता है कि आयोनाइजेशन होने किस तरह है। यहाँ से ये वाली चीज़ एसीटेट आयन अलग हो जाएगा, पोटाशियम आयन अलग हो जाएगा, जिस तरह आप आयोनाइजेशन करवाते हो NaCl की या NaOH की, जैसे NaOH की आयोनाइजेशन करवाओगे ये वाली चीज़ लग यहाँ बनता है पॉजिटिव आयन साथ में OH नेगेटिव आयन बन रहा होता है, इसी तरह काम करवाया हमने।
क्या पानी के अंदर डालने के बाद दो आयन बने, एक बना एसीटेट आयन, एक बना पोटाशियम आयन। इसके बाद क्या हुआ, जैसे आयन बन गया आपने क्या दो इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड डालने के बाद इसमें से करंट गुजार दिया। अब करंट गुजारने के बाद हमारे पास एनोड में क्या रिएक्शन होगा, यह हमारे पास नेक्स्ट चीज है, रिएक्शन एट एनोड। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में आपने ये चीज पढ़ी हुई है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। सही, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर। यहां पे हमेशा क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। किस तरह ऑक्सीडेशन होती है, जरा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझते जाइएगा। ये वाली चीज आप देखो, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहां पे दो आयन्स हैं, एक है हमारे पास एसीटेट आयन, एक है पोटाशियम आयन। अगर एसीटेट आयन की बात करूं तो यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, एसीटेट आयन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज। सो एसीटेट आयन एनोड की तरफ जाएगा, सो एसीटेट आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एसीटेट आयन है क्या, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। अब ना थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, ये चीज समझो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कॉन्सेप्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बॉन्ड बना हुआ है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। जब एक बॉन्ड की बात करूं तो याद रखिए कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। किस तरह दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो एक हाइड्रोजन एटम ये था, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन एटम ये है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद इस तरह दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं। आप कहते हैं इस चीज को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये एक लाइन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दो। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाए, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले जाए तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, और जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा, मतलब जो बात समझाने वाली है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही चीज पर जाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होता है, नेगेटिव चार्ज। का मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। बस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपने नेगेटिव चार्ज डाले समझाने के लिए मैंने अभी बनाया, सही है। अब जैसे ही इसमें से करंट गुजारोगे तो आपके पास पता क्या होता है, यहां से क्योंकि हमारे पास दो है, शुरू में दो लिए हैं इसलिए क्योंकि हमारा काम लास्ट में आसान रहे। अब होता यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाकी क्या बचेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और इसके ऊपर आप एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह डाल देते, डॉट डाल देते। डॉट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। सही है, अब देखो मेरे पास ये थे दो मॉलिक्यूल, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ इस चीज की, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले और इसके ऊपर डॉट क्यों डाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी आगे जाके भी हेल्प करेगी। सही है, तो इसको लाजमी याद रखिएगा कि एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये बात होगी। अब इसके बाद आपने यही चीज बात, देखो आपने कहा जी एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन देखोगे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अब ये वाली चीज दोबारा फिर लो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डॉट। ओ डॉट का मतलब क्या है जी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ना एक बॉन्ड का मतलब क्या है, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड का मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये समझने के लिए बना रहा हूं। अब होता यह है कि यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहां से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहता है। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन दरमियान में आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दरमियान में आएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। देखो ये वाली चीज यहां से अलग हुई और ये कौन सी चीज बन जाएगी, सी ओ टू, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। और ये कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे, टू सी ओ टू, और साथ में हमारे पास इतनी चीज बाकी बच गई, ये क्या है जी, टू सी एच थ्री, और इसके ऊपर डॉट आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डॉट आएगा। सही है,
अब आपने ये एरो वगैरह नहीं लगाना बच्चे, याद रखिएगा समझने के लिए सिर्फ। आपने जब पेपर में लिखना है कोई एरो नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट ये वाली चीज़ समझने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन दरमियान में, ये वाला इलेक्ट्रॉन दरमियान में आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जब दरमियान में आ जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है, सही है। और यहाँ बॉन्ड बना है और बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास CO2 बना है और साथ में CH3 डॉट बना है। डॉट का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब दो CH3 डॉट यानी एक CH3 डॉट और दूसरा CH3 डॉट आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बना देते हैं, अल्केन, ये वाली चीज़ बन जाती है CH3CH3। अब ये वाली चीज़ बच्चे समझने के लिए इसको बनाते ना रहिएगा, ये वाली चीज़ ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपने दरमियान में बॉन्ड ही बनाने होते हैं इस तरह, लेकिन क्या काम हो रहा है ये काम आपको पता हो यहाँ पे, सही है, क्या काम हो रहा है। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में लेके आते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। और ये वाली चीज़ हमारे पास इथेन है और इथेन हमारे पास क्या होती है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड दोनों के दरमियान में मौजूद है। हम अल्केन तैयार करना चाहते थे, अल्केन तैयार हो गई। बच्चे याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने सारा लिखा है ना, ये तीन स्टेप गलत कर दिए, एग्जामिनर आपको जीरो नंबर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला है, ये तीन लाइनें हैं, मैं कहता हूँ ये तीन नंबर की होंगी। अगर मैं नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन खुद करूँ, मैं चेक करूँ तो ये तीन लाइनें मैं तीन नंबरों की रखूँ, क्योंकि मेन रिएक्शन ये है। यहाँ पे ये अल्केन तैयार हो रही है आपकी, क्या है, यहाँ पे आपकी मेनली अल्केन तैयार हो रही है, सही। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है जी रिएक्शन एट कैथोड, लास्ट वाली चीज रिएक्शन एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। अच्छा याद रखिए, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होती है, हमेशा रिडक्शन होती है। एट कैथोड, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अक्कर, ऑलवेज रिडक्शन अक्कर, हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेता है कोई भी चीज़, सही है। तो यहाँ पे होता क्या, देखो आपने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन के अंदर आपको पता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी होगा और इसमें वाटर भी होगा। सबसे पहले जो मेनली रिडक्शन हो रही होती है वो वाटर की होती है। वाटर की रिडक्शन होकर क्या बनता है, मेरे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं 2H2O, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये चेंज हो जाते हैं 2 हाइड्रोक्साइड में, 2OH नेगेटिव में, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है जरा गौर कीजिएगा, यह आपको बड़ा आसान काम है। अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसको ना आप थोड़ा सा इस तरह भी करके बना सकते हो, वैसे समझ लो, इसको समझ लो पहले, बाद में लिखते रहना। इसको ना आप थोड़ा सा इस तरह भी करके बना सकते हो, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन मैं इसके साथ लगा देता हूँ, क्या मैं इस तरह करके बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, सही है। सो मैं इसको थोड़ा सा ना सीधा करके बना लगाऊँ, एच ओ एच। अब आपको पता है जी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच ले, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है ये ज़्यादा होती है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ओ एच नेगेटिव बनता है और साथ में क्या बन जाएगा, एच पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं ये दो चीज़ें लूँ, ये भी दो चीज़ें बनेंगी, ये भी दो चीज़ें। अब ये वाले दो ओ एच नेगेटिव तो ये पड़े हुए हैं दो वाटर के मॉलिक्यूल में से, दो वाटर के मॉलिक्यूल में से 2OH नेगेटिव ये बने हुए। लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं साथ में, जब दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी किसमें, H2 में। बस ये बारी चीज़ आपने याद रखनी है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किए थे ये वाले, सही है, जो दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए ये वहाँ से आए। अब यहाँ पर गौर करो, ये वाले दो हाइड्रोक्साइड पड़े हुए, ये वाले दो पड़े हुए पोटाशियम आए, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, 2K++2OH नेगेटिव, इट विल फॉर्म 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2KOH। तो ये था जी बच्चे हमारे पास सारे का सारा रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप पेपर के अंदर करना चाहते हो तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कोशिश कीजिए जितना अच्छा हो सके। आगे वाले जो तरीकाकार है ना, आगे जो हमने पढ़ने हो बच्चे, वो इस तरीकाकार से ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे तैयार जो चीज़ कर रहे होते हैं वो अल्केन नहीं होती, ये वाली चीज़ अल्केन है, वहाँ पे अल्कीन या अल्काइन तैयार करेंगे। लेकिन अगर ये वाली चीज़ आपको रेडी है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे वो चीज़ समझने में आसानी होगी। तो ये था जी हमारे पास मेनली चीज़, आपने ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऊपर वाली वर्डिंग नहीं लिखते ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को, यहाँ से लेके यहाँ तक सही लिख देते हो ना, आपको 4 के 4 नंबर देगा। नंबर सिर्फ रिएक्शंस के होंगे, वर्डिंग का नंबर नहीं है कोई भी, याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।